नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मैथ नंबर वन पर। बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पर आधारित कुछ प्रश्न। पिछले वीडियो में मैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का पूरा कंसेप्ट पूरी परफेक्ट रूप से कैसे निकाला जाता है, कहां से क्या आता है, पूरी जानकारी मैंने दिया है। आज मैं उस कंसेप्ट पर आधारित एक प्रश्न लेकर हल करूँगा ताकि आपके अंदर और क्लियरिटी आ जाए और आप और अच्छे से कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को सीख जाएं। मैथ को पूरा सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट आपको खबर हमेशा मिलते रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पर आधारित ये सवाल है। ये एफ जो है वन थ्री फोर पर डिफाइन है, इसका रिजल्ट आया है 1, 2, 5। जी जो है 1, 2, 5 से इसी से कनेक्ट हुआ है और इसके कनेक्शन से यानी कि जी 1, 2, 5 में कनेक्ट है, इसका आंसर आया 1, 3, दो ही आया है। अब इसका रिलेशन देखिए क्या मिला है। ये बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 1.3 का। पहला क्वेश्चन है कि 1, 2, 3, 5, 4, 1 एफ में ये रिजल्ट है, जी में आया है 1, 3, 2, 3, 5, 1, ये जी में रिलेशन है। तो हमसे पूछ रहा है कि फंक्शन ऑफ जी ओ एफ का मान बताइए। तो फंक्शन ऑफ जी ओ एफ का मान कैसे निकालेंगे ये देखिए। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे फंक्शन ऑफ 1। यहाँ से देखिए तो फंक्शन ऑफ अगर 1 देखते हैं तो इसका आंसर कितना आया है, 2 आया है, क्योंकि इसका इमेज 2 के साथ ही बना है, 3 का इमेज 5 के साथ बना है, 4 का इमेज 1 के साथ। तो फंक्शन ऑफ एफ 1 कितना है, 2 है। फंक्शन ऑफ एफ 3 कितना है, 5 है। फंक्शन ऑफ 4 कितना है, 1 है। अब आइए जी में देखिए तो फंक्शन ऑफ जी 1 कितना है, 3 है। फंक्शन ऑफ 2 जी 2 कितना होगा, 3 होगा। और फंक्शन ऑफ 5 कितना होगा, 1 होगा। तो ये जी का इमेज है और ये एफ का इमेज है, ये दोनों रिजल्ट आपके साथ आ गया है। अब हमको निकालना है जी ओ एफ। तो जी ओ एफ निकाला जाता है, जो आंसर आता है ए से बी में कनेक्ट होता है, बी से सी में, तो ये सीधे आंसर मिलता है ए टू सी में। तो ए में क्या है, ए में देखिए तो हायर है, ए में 1, 2, 3 यही है, इसी पर ना इसमें आउटपुट आएगा। तो इसीलिए हमको निकालना पड़ेगा, इसका मतलब है कि 1 का निकालना पड़ेगा, 3 का निकालना पड़ेगा और 4 का। तो अब चलिए जी ओ एफ 1 का निकालते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं जी ओ एफ 1 लिख सकते हैं। एफ 1 का मान यहाँ से मिला है, एफ 1 का मान 2 मिला है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। जी 2 का मान देखिए यहाँ से मिला है, 3 मिला है, देख लीजिए। उसी तरीका से अब एफ 3 का निकालेंगे। तो एफ 3 का तो इसको लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ जी एफ 3 लिख सकते हैं। एफ 3 का मान फिर यहाँ पे निकल गया है 5, जी 5 होगा, और जी 5 का मान यहाँ से मिला है 1, देख रहे हैं। उसी तरीका से 4 का निकालिएगा, तो 4 इसको लिख सकते हैं जी एफ 4। एफ 4 का मान देखिए कितना मिला है, 1 मिला है, 1। और 1 का जी 1 का मान कितना मिला है, जी 1 का 3 आया है। तो अब देखिए ये जी ओ एफ क्या क्या मिला है। जब अपने 2 1 भरा है तो 3 आया है, जब अपने 3 भरा है तो 1 आया है, जब अपने 4 भरा है तो 3 आया है। यही है फंक्शन ऑफ जी ओ एफ। उम्मीद है कि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और ऐसे ही वीडियो आप हमेशा चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप।